आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल डिफेंस ऑपरेटर के बारे में और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये टॉपिक सेंट्रल डिफेंस इंटरपोलेशन फार्मूला वाले चैप्टर पे बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ की और उनके प्रूफ के बारे में भी। तो डेफिनेशन क्या होती है, जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर होता है ना उसको हम दिखाते हैं डेल से। ऐसा साइन होता है। वो किस प्रकार से डिफाइन होता है कि जो डेल एफ एक्स होता है ना वो किसके बराबर होता है, फंक्शन एक्स प्लस एच अपॉन टू माइनस फंक्शन एक्स माइनस एच अपॉन टू। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस एच बाई टू है, यहाँ पर क्या है माइनस एच बाई टू है। और आपको पता है ऑपरेटर ई क्या करता है, अगर ई की पावर एन फंक्शन एक्स हो तो वो होता है फंक्शन एक्स प्लस एन एच, और यहाँ एन के प्लस पे क्या है वन बाई टू। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं की पावर हाफ फंक्शन एच माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा की पावर माइनस हाफ फंक्शन एक्स। कुल मिलाकर फंक्शन एक्स इन दोनों में से क्या जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे और फिर इस फंक्शन एक्स से इस फंक्शन एक्स को लिमिट कीजिए, यानी कि डेल बराबर आपका क्या हो जाएगा एक की पावर हाफ माइनस एक की पावर माइनस हाफ। तो ये तो हुआ हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो डेल होता है वो फॉरवर्ड ऑपरेटर ई माइनस हाफ किसके बराबर होता है, या तो उसको पहले लिखे या फिर बाद में लिखे, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव होता है। ये इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो हम ले रहे हैं, देखिए फार्मूला ये है, क्योंकि ये डेल है ना, बाय डेफिनेशन फार्मूला ये होता है, हमने लिख दिया। और आपको पता है जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है डेल एफ एक्स वो किसके बराबर होता है, फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स, ये चीज़ होती है। तो उस अनुसार एक्स के जगह पर अगर आप एक्स माइनस एच अपॉन टू लेंगे तो उस रूल से जब इसको आप खोलेंगे तो आपको यही मिलना है। तो यानी कि मैं डेल एफ एक्स को लिख सकता हूँ फॉरवर्ड ऑपरेटर डेल फंक्शन एक्स माइनस एच अपॉन टू। इस चीज़ को अगर आप इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो आपको फिर से यही मिल जाना है, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या, देखिए एच के प्लेस पे है माइनस वन बाई टू है, एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ माइनस एच बाई टू, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटर ए इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसे हम लिख देंगे डेल ए की पावर माइनस हाफ फंक्शन एक्स, क्योंकि इस रूल से। तो डेल एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर हाफ डेल एफ एक्स, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है ए डेल किसके बराबर होता है, डेल ए के बराबर होता है, यानी कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो डेल होता है वो किसके इक्वल होता है, बैकवर्ड डेल ए की पावर हाफ वो किसके बराबर होता है, ये भी कॉम्यूटेटिव में दिखाना है, यानी कि आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं इक्वल होता है ये। फिर से वही फार्मूला डेल एफ एक्स फॉरवर्ड और जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का जो डेफिनेशन है उससे हम लिख खोल देंगे। और अब की बार चूँकि बैकवर्ड वाला है तो रूल बैकवर्ड वाला अप्लाई करना है। और बैकवर्ड डेल एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन एक्स माइनस फंक्शन एक्स माइनस एच, ठीक ये होता है, यानी कि अब की बार ये वाला लेना है एक्स फंक्शन के तौर पर। तो ये डेल फंक्शन एक्स प्लस एच बाई टू हो जाएगा। इसको जब आप खोलेंगे ना इस रूल से तो फिर से आपको यही मिल जाना है। और यहाँ पर देखिए एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एच बाई टू, यानी कि ऑपरेटर ई लगाएंगे तो यहाँ पावर में हाफ आ जाएगा और ये फंक्शन एक्स हो जाएगा। और आपको पता है ई डेल किसके बराबर होता है, डेल ई के, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। तो उस प्रॉपर्टी से यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि जो बैकवर्ड ये होता है ना इसके बराबर होता है, इस रूल से यहाँ लगा देंगे तो वो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें आसानी के साथ मिल जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है जो डेल की पावर में अगर एन हो जाए फंक्शन एक्स तो ये किसके बराबर होता है, फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर एन फंक्शन एक्स माइनस एन एच अपॉन टू इज इक्वल टू बैकवर्ड डेल की पावर एन फंक्शन एक्स प्लस एन एच बाई टू। ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए जो हमारे पास पहली रिजल्ट है, पहली रिजल्ट क्या आई थी, ये इस रिजल्ट का हम यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं कि जो डेल एफ एक्स होता है वो फॉरवर्ड डेल की पावर हाफ फंक्शन एक्स होता है, ठीक ये चीज़ होती है। अब क्या करना है, पावर में एन है तो दोनों तरफ पावर में एन ले लेंगे, ये इधर हो गया, ये पावर में एन ले लिया, एन इसकी पावर में भी आ जाएगा, एन इसकी पावर में भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ए की पावर क्या है, माइनस एन बाई टू, यानी कि जब ऑपरेटर ए का इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर फंक्शन में तो एक्स में क्या जुड़ जाएगा, माइनस के एन बाई टू एच जुड़ जाएगा।
तो पहला वाला मिल जाएगा आपको। सिमिलरली प्रॉपर्टी जो सेकंड हमने प्रूफ की थी अभी, वो लिखेंगे और उसकी पावर में हम ले लेंगे n, ठीक है। फिर से देखिए, डेल की पावर n, e की पावर n बाई टू। अब e की पावर n बाई टू प्लस में है, तो प्लस एन एच बाई टू ऐड हो जाएगा, तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें इजीली मिल जाएगा, ये वाला। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और हमें आपका सपोर्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।